एमकेएम के दफ्तर को खतरा है, जानते हैं वकास अहमद से। वकास, इस पेशरफ्त के बारे में बताइएगा। जी, सभी का गुज़श्ता रोज़ कराची में हुआ था एमकेएम के कारकुनों की तरफ से पहले मीडिया हाउसेस पर हमले किए गए, फिर उसके बाद जब बेंजे ने क्रैकडाउन किया तो लोगों ने भी काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया था एमकेएम की सरकार के खिलाफ। तो इसी तनाजुर के पेश नज़र लाहौर में जो एमकेएम का मरकज दफ्तर है मुस्लिम टाउन में, उसके बाहर पुलिस ने नफरी तैनात कर दी गई है। SP जो मुतल हैं इकबाल टाउन विजन, उनका ये कहना था कि मकसद सिर्फ ये है कि जो लोगों का गम और गुस्सा है, जो एमकेएम ने पहले मीडिया हाउसेस पर हमले किए, फिर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए, तो लोग एहतजाज करने का अगर यहाँ का रुख करते हैं तो इलाकों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। इसीलिए उन्होंने अजाफी नफरी तैनात कर दी है ताकि अगर लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं यहाँ तो फिर किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, हंगामा राय यहाँ पर ना हो। इसके साथ साथ जो अफसान की तरफ से उन्हें दूसरी हदायत मिली थी वो ये थी कि जो एमकेएम के कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उनकी जो तस्वीर नस्ब हैं बैरूनी दीवार पर वो हटा दी जाएँ, और साथ ही साथ एमकेएम का जो पार्टी परचम है जो कि दफ्तर के ऊपर नस्ब है उसको भी उतरवा दिया जाए। पुलिस ने दोनों काम कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई हदायत या हुक्म वसूल नहीं हुआ कि जो दफ्तर है एमकेएम का मुस्लिम टाउन में उसको बंद करवा दिया जाए। यहाँ पर सिर्फ दो लोग मौजूद हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक खाक रूप है, जिनका कहना है कि उन्होंने पुलिस का जो एक्शन था उसके बारे में अपने अहदेदारान को बता दिया है। जी वकास अहमद, शुक्रिया आपका।